कानपुर आजम खां के विवादित बयान पर मामला। आजम खां पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। 294 बी 354 ए 504 153 ए समेत कई धाराओं में केस दर्ज। रामपुर की गंज कोतवाली में दर्ज किया गया है केस। एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आजम ने एक जनसभा में विवादित बयान दिया था। मां बच्चे वाले बयान को लेकर उन पर केस दर्ज किया गया है। हाल ही में एक चुनावी जनसभा में आजम खां ने कहा था कि अगर इन चार सरकारों में मैं जैसा मुझ पर इल्जाम लगाया जाता था, मैं वैसा होता तो बच्चा भी पूछ के पैदा होता कि पूछो आजम खां से कि बाहर निकलना है या नहीं। इसी बयान को लेकर अब एक बार फिर से उन पर केस दर्ज हुआ है। मां बच्चे वाले बयान को लेकर आजम खां पर अब केस दर्ज हुआ है। संवाददाता ओमपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमपाल, देखिए आजम खां की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में उन्होंने एक चुनावी जनसभा के दौरान जो मां बच्चे वाला बयान दिया था, उसको लेकर उनके केस दर्ज हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आजम खान की मुश्किलें कोई और कम नहीं करेगा, वो खुद कम करेंगे, उनकी जुबान कम करेगी। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि हर दिन जब अपनी जनसभा में जब वो जनता से मुखातिब होते हैं, वोट लेने के लिए जो बोलते हैं, उन्हीं सब चीजों को लेकर जब कानून में फंसते हैं तब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोई जबरदस्ती उनको नहीं फंसा रहा है। आप देखिए ना, जो बयान दिया है कि माँ उस माँ से पूछता वो बच्चा, अब बच्चा तो अभी कोक में है, कोक से बाहर रहने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे साथ जो हुआ है चार सालों में, अगर मेरी सत्ता में, मेरी सरकार में ऐसा मैं किसी पर करता तो कोई भी माँ माँ के कोक में जो बच्चा होता वो पैदा होने से पहले अपनी माँ से पूछता कि मैं बाहर आऊं या नहीं आऊं। तो इस वाले बयान को लेकर एक रामपुर की ही महिला ने कल गंज कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी थी और उसी तहरीर पर वहां के कोतवाली कोतवाल पचौरी जी हैं, उन्होंने बाकायदा संबंधित धाराओं में केस फाइल किया है और अब इसकी जांच शुरू होगी। बयान सभी के पास है, मीडिया में वायरल हो रहा है, तमाम सारी चीजों को लेकर आजम खान लगातार जो बोल रहे हैं, विवादित बोल रहे हैं, उनमें उनकी मुश्किलें खुद ब खुद बढ़ रही हैं और उनकी जुबान की वजह से उनकी परेशानी बढ़ रही है। आजम खान अगर थोड़ा सा, हाल ही में उपचुनाव है और अपने बताया कि जिस प्रकार से महिला ने इनके इस बयान पर जाकर तहरीर दी है और केस दर्ज हुआ है, ऐसे में क्या आजम खां का इस प्रकार से जुबानी वार उन पर ही भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, अभी जितने सारे केसेस दर्ज हुए उसमें सबसे ज्यादा उनकी जुबान को लेकर है, उनके भड़काऊ भाषण को लेकर है। और अभी ये बताने और जताने की जरूरत नहीं है, हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा हुई है और उसी सजा पर उनकी विधायकी रद्द हुई है और उसी सजा पर ये दोबारा से चुनाव हो रहा है और उसी चुनाव में जनता से वोट लेने के लिए वोट मांगते वक्त तो इस तरीके के बयान देना, ये खुद ब खुद आजम खान साहब के लिए भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो अभी जो देख रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो सुनकर ही बता रहा हूं, क्योंकि तमाम सारी चीजों में उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और वो अगर इस तरीके से बयान देंगे तो उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्योंकि जो कानून है, जो तमाम सारी चीजों में पहले से ही फंस चुके हैं, तो अभी तो सत्ता है, सरकार है, और जब चीजें सामने आ रही हैं तो अफसर भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं और जहां जहां जो जो बातें उनकी तरफ से, उनकी जुबान से निकल रही हैं, आप समझिए अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, चुनाव होने में दिन बचे हैं और मतगणना है, तो तमाम सारी चीजों को लेकर वो जनसभा में बोल रहे हैं, वो मीडिया से मुखातिब होकर जो बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन और जो टीमें हैं आयोग की, जो उनके दिशा निर्देश दिए गए, उसी दिशा निर्देश को कड़ाई से पालन कराने के लिए लगातार अफसर जुटे हुए हैं। और अफसरों को तो चाहिए, क्योंकि तमाम सारी चीजों को लेकर ये कहा गया है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हैं, तमाम सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं, केसेस फाइल हो रहे हैं, तो अब भी अगर वो ऐसे ही बोलेंगे, अब भी अगर ऐसे ही बयान देंगे तो प्रशासन उन्हें बकसने के मूड में नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सत्ता की कुर्सी संभालने से पहले कोई शख्स या शख्सियत कितने ही ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा कानून का शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।